क्या होगा अगर पेट्रोल को एक साल के लिए फ्रिज में रख दिया जाए? क्या होगा अगर कोई सेब के 200 बीजों को खा ले? क्या आप जानते हैं कि पानी में मोबाइल फोन के गिरने पर उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि हाईवे पर ड्राइव करने के दौरान कार की खिड़की बंद करने से आप हजारों रुपए बचा सकते हैं, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि हमारी नाक में बाल क्यों होते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ क्यों माना जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बादल के चलने की स्पीड क्या होती होगी? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर वन, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि रोजाना एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब सेहत के लिए जितना फायदेमंद होता है, उसके बीज इंसान की सेहत के लिए उतने ही हानिकारक साबित हो सकते हैं। दरअसल सेब के बीज में साइनाइड नामक तत्व पाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर कोई व्यक्ति सेब के 200 बीज को चबाकर खा जाता है तो उसकी कुछ ही देर में मौत हो जाएगी। दरअसल साइनाइड शरीर के अंदर जाकर खून को बहुत गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट खून पंप नहीं कर पाता है और ज्यादा काम करने की वजह से फेल हो जाता है। ऐसे में हार्ट फेल के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसकी वजह होते हैं सेब के अंदर मौजूद छोटे छोटे बीज। इसलिए सेब खाने से पहले उसके बीजों को ध्यान से अलग कर लें, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, मानव शरीर के कई अंगों की तरह नाक के अंदर भी बाल होते हैं, जिन्हें सुंदर लगने की वजह से वैक्स करके अलग कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाक के अंदर बाल होने से इंसान कई तरह की खतरनाक बीमारियों से बच सकता है, क्योंकि बहुत से कीटाणु और वायरस सांस के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे में नाक के अंदर मौजूद बाल उन बैक्टीरिया और वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा नाक के बालों में नमी भी होती है, जो प्रदूषित और गंदी हवा में मौजूद वायरस को सीधा फेफड़ों में जाने से रोकते हैं और हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नाक के बाल होने से व्यक्ति को अस्थमा होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि उसके फेफड़ों तक साफ ऑक्सीजन पहुंचती है। ऐसे में अगर आप बेहतरीन लुक और खूबसूरती के लिए नाक के बाल साफ करते हैं तो आपको दूसरे व्यक्ति के मुकाबले संक्रमण और अस्थमा होने का खतरा ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर थ्री, भारत में इस बात को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है कि अगर घर से बाहर निकलने पर बिल्ली रास्ता काट दे तो कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिल्ली के रास्ता काटने को अशुभ क्यों माना जाता है, हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दरअसल पुराने समय में जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थीं, तो लोग यात्रा करने और सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसे में रात के समय यात्रा के दौरान रास्ते में अगर कोई बिल्ली दिख जाए तो घोड़े और बैल उसे देखकर रुक जाते थे, क्योंकि रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती हैं, जिसे देखकर दूसरे जीव डर जाते थे। ऐसे में बिल्ली के रास्ते से हटने तक बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी रास्ते पर काफी देर तक खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से लोगों को यात्रा पूरी करने में देर हो जाती थी। ऐसे में धीरे धीरे बिल्ली के रास्ता काटने का अंधविश्वास फैलने लगा, क्योंकि लोगों को लगता था कि बिल्ली जिसके रास्ते में आती है वह ना तो समय पर काम पर पहुंच पाता है और ना ही उसके शुभ कार्य हो पाते हैं। इस तरह आधुनिक युग में गाड़ियों के चलन के बावजूद भी लोग बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात पर यकीन करते हैं और किसी भी शुभ कार्य से पहले बिल्ली को नहीं देखना चाहते हैं। फैक्ट नंबर फोर, यूं तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं, जहां जाने के लिए पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नर्क के रास्ते पर चलने के बारे में सोचा है, जो आपको एक ऐसी जगह ले जाएगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस तरह का एक रास्ता न्यू मैक्सिको में मौजूद है, जिसे रोड टू हेल के नाम से जाना जाता है। यह रास्ता कार्लसबैड केवर्न्स नेशनल पार्क में बनाया गया है, जो 100 गुफाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। हालांकि इस रास्ते को जिस तरह से बनाया गया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इंसान गुफाओं के अंदर नहीं बल्कि इस जमीन के अंदर नर्क की तरफ जा रहा है। यही वजह है कि इस रास्ते को रोड टू हेल के नाम से जाना जाता है, जो दिखने में डरावना जरूर लगता है, लेकिन यह मैक्सिको का एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप भी इस नर्क के रास्ते पर चलकर गहरी और अंधेरी गुफाओं का सफर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, अगर आपने कभी मैकडोनल्ड से खाना ऑर्डर किया है तो आपको ये पता होगा कि वह बर्गर और फ्रेंच फ्राई के साथ सॉस भी सर्व करते हैं, जो एक पैकेट में आता है। लेकिन क्या आपने कभी सॉस के पैकेट पर लिखे नंबर्स पर ध्यान दिया है, जो उसकी क्वालिटी और टेस्ट के बारे में बताते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सॉस के पैकेट पर लिखे नंबर से यह पता लगाया जा सकता है कि सॉस मीठा है या फिर तीखा। इसके लिए मैकडोनल्ड्स कंपनी ने कुछ नंबर्स सेट किए हैं। अगर पैकेट पर 5 से नीचे के नंबर यानी 1, 2, 3 और 4 लिखा होता है तो उस सॉस का स्वाद हल्का मीठा होगा। वहीं अगर पैकेट पर 5 से ऊपर के नंबर यानी 6, 7, 8 और 9 लिखा होता है
तो सॉस तीखे स्वाद वाली होगी। यकीनन आप में से बहुत से लोग मैकडोनल्ड्स की इस सॉस ट्रिक के बारे में नहीं जानते होंगे, क्यों सही कहा ना। फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत से लोगों को चॉकलेट खाना पसंद होगा जो स्वाद में बेहतरीन होने के साथ साथ मानसिक तनाव को कम करने का काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी गाड़ियों से भरी सड़क पर चॉकलेट को जमते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस मजेदार किस्से को जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक बार पोलैंड में लिक्विड चॉकलेट को ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा रहा था, लेकिन हाईवे पर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और सारी चॉकलेट सड़क पर फैल गई। पोलैंड में काफी ज्यादा ठंड होती है, इसलिए कम तापमान की वजह से लिक्विड चॉकलेट बर्फ की तरह सड़क पर ही जम गई। ऐसे में उस चॉकलेट को साफ करने के लिए हाईवे को पूरे एक दिन के लिए बंद कर दिया, जबकि वहां मौजूद कई गाड़ियां भी चॉकलेट के साथ सड़क पर ही जम गईं। ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद चॉकलेट को हाईवे से साफ किया गया, जिसके बाद हालात नॉर्मल हुए। आपको बता दें कि पोलैंड में चॉकलेट जैसी लिक्विड चीजों का ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास तरह के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, जो ठंड की वजह से लिक्विड को जमने नहीं देते हैं और उसे अंदर से गर्म रखते हैं। लेकिन शायद उस चॉकलेट को सड़क पर ही जमना था, इसलिए तो सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। फैक्ट नंबर 7, नीले आसमान पर सफेद रंग के बादल देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बादल की स्पीड कितनी होती होगी? मॉनसून के दौरान यह बादल एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और वहां बारिश करते हैं। ऐसे में उनकी स्पीड क्या होती होगी? एक बादल की नॉर्मल स्पीड 0.04 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस हिसाब से वह बादल सिर्फ 7 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई तक का सफर पूरा कर लेता है, जबकि बादल के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पानी भरा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। वहीं कार से सफर करने पर दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राकृतिक चीजों की शक्ति कितनी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप कम से कम पेट्रोल का इस्तेमाल करके एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी कार की खिड़की बंद करके रखनी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तेज स्पीड में कार चलाने के दौरान कार की खिड़की बंद रखने से कम फ्यूल खर्च होता है। दरअसल हाईवे पर ड्राइव करने के दौरान अगर कार की खिड़की खुली रहती है तो तेज हवा लगने की वजह से 10% पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है। ऐसे में अगर आप तेज स्पीड में हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपनी कार का शीशा बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। इस तरह कार का पेट्रोल कम खर्च होगा और आपके पैसों की बचत भी होगी। इतना मजेदार फैक्ट बताने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 9, आज के आधुनिक समय में बिना मोबाइल फोन के इंसान अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में हर काम स्मार्ट तरीके से पूरा किया जाता है। लेकिन इसी स्मार्टनेस की वजह से कभी कभार मोबाइल पानी या किसी लिक्विड में गिर जाता है, क्योंकि हम घर के काम करने के दौरान भी मोबाइल का बेवजह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे में मोबाइल को खराब होने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि उसका कोई अंदरूनी पार्ट शॉर्ट सर्किट होने से खराब ना हो जाए। इसके बाद मोबाइल फोन को साफ करके सिम कार्ड और बैटरी को निकाल कर अलग कर देना चाहिए। अगर बैटरी अलग नहीं होती है तो कम से कम सिम कार्ड और मेमोरी को बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके बाद मोबाइल को तेज हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ झटकना चाहिए, ताकि फोन के अंदर घुसा पानी बाहर निकल जाए। इसके बाद मोबाइल फोन को हेयर ड्रायर की मदद से सुखा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी हवा गर्म होती है और पानी को आसानी से सोख लेती है। ऐसे में मोबाइल को अच्छी तरह से सुखा लेने के बाद सिम कार्ड और मेमोरी फिक्स करके फोन ऑन कर लें, आपका मोबाइल फिर से चलने लगेगा। आपको बता दें कि साल 2019 के बाद बनने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन वाटरप्रूफ होते हैं। ऐसे में अगर वह पानी में गिर जाए तो उसके खराब होने का चांस कम होता है। लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए इस ट्रिक को अपनाकर अपने मोबाइल को ड्राई कर सकते हैं, जिससे उसके खराब होने का चांस कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, गर्मी के मौसम में पानी से लेकर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और दूध जैसी चीजों को फ्रिज में रखा जाता है, ताकि वह ताजे और ठंडे रहें। लेकिन क्या आपने कभी पेट्रोल को फ्रिज में रखने के बारे में सोचा है? अगर हाँ तो क्या पेट्रोल फ्रिज में रखकर जम जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि हर तरल पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए दूध या पानी की तरह पेट्रोल तरल होने के बावजूद भी आसानी से नहीं जमता है। पेट्रोल का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक पाया जाता है। पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट पानी के मुकाबले नीचे होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जमना शुरू होता है। लेकिन फ्रिज में फ्रीजर का तापमान इतना कम नहीं होता है, इसलिए अगर आप पेट्रोल को उसमें रख भी देंगे तो वह जमेगा नहीं। फ्रीजर का न्यूनतम तापमान 0 से -4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें पानी और आइसक्रीम जैसे तत्व बर्फ की अवस्था में जम सकते हैं। ऐसे में
अगर पेट्रोल को घर के सामान्य फ्रिज में 10 दिन या पूरे साल भर के लिए भी रख दिया जाए तो वह पानी की तरह जमेगा नहीं और तरल अवस्था में ही रहेगा। वहीं अगर पेट्रोल किसी ठंडी जगह जैसे साइबेरिया आदि पर मौजूद हो तो वह 60 डिग्री के तापमान में जमना शुरू हो जाएगा, फिर चाहे पेट्रोल गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक में हो या फिर किसी पेट्रोल पंप पर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।